आप रास्ते के उस पर लाल किला है, ये चांदनी चौक का मार्केट है सब। ये जैकेट लिया हमने पूरा दूसरे कलर, ये वाले जैकेट हमारे हयात के लिए किले हैं 250 रुपया में। पेमेंट हो गया? हाँ पैसे हम दे दो। और ये हमने लेदर का बेल्ट लिए हैं 150 रुपया करके एक। यह चिड़िया बाजार है जहाँ हर तरह के चिड़िया मिलते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली का, जाते जाते जामा मस्जिद के इतिहास के बारे में थोड़ा बताते चले। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने 1650 में बनवाना शुरू किया था और इसे पूरा होने में पूरे 6 साल लगे थे। उस समय जामा मस्जिद को बनाने में लगभग 10 लाख रुपये का खर्च पड़ा था। अमित है चला चला के आपको। हम मेन गेट से नहीं है क्योंकि मेन गेट काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थरों और सफ़ेद संगमरमरों से बना हुआ है। जामा मस्जिद दिल्ली, यह जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग इसी रास्ते से सबसे ज़्यादा आते और जाते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट मेन रोड से कनेक्टेड है। तो चलिए गेट नंबर 2 से जामा मस्जिद में एंट्री करते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ खाना है या कोई चीज़ ख़रीदना है तो कम से कम 2-3 दुकान में मोल भाव कर लें, क्योंकि यहाँ हर दुकान में दाम अलग अलग है। तो माशाल्लाह हमने भी जामा मस्जिद की कैंपस में एक कदम रख दिए। ज़िंदगी में पहली बार हमने जामा मस्जिद में आए हैं। चलिए एक बार आपको गेट नंबर 2 का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कितनी भीड़ भाड़ है वो आप देख सकते हैं। लंबी लाइनें हैं, पूरी एकदम कंजस्टेड है। कितनी भीड़ है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितने लोग हर दिन जामा मस्जिद में विजिट करने आते हैं। ये हो गए बिरयानी कबाब, चिकन बिरयानी और कबाब है ये। हमने 2 प्लेट ऑर्डर दिए हैं, पहले भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा होता है टेस्ट इसका। भाई उस दुकान वाले ने तो हमें काफ़ी लूट लिया। यहाँ पे बिरयानी बहुत सस्ती है और उसके दुकान में बहुत ज़्यादा दाम था, तो कभी भी आए तो पहले दाम से पता कर ले फिर खाएं। ये गेट नंबर 2 है, ये आपको सुबह के टाइम से इधर से धूप गिरती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता होगा। तो चलिए हम भी मस्जिद में दाखिल होते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ देते चले आपको, जामा मस्जिद की लंबाई 80 मीटर है और इसकी चौड़ाई 27 मीटर है। जामा मस्जिद में कम से कम 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। कभी भी जामा मस्जिद आए तो सुबह के वक्त में आए तो ये आपको सूरज की रोशनी इधर गिरती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता होगा। चलो आ जाओ। Thank you.
ये दो नंबर गेट से एंट्री है। आप लोग पहने रहो। जामा मस्जिद में म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना सख्त मना है। हमने जूते चप्पल खोल लिए और सारे हाथ में ले लिए। जूते चप्पल पहनकर मस्जिद के अंदर जाना अलाउ नहीं है। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये तो बहुत खूबसूरत गेट नंबर दो। ये झरो के ऊपर आया थी तेरा दा। सब लाल बलुए पत्थर से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। जामा मस्जिद बेहतरीन कारीगरी का एक खूबसूरत नमूना है जिसे देखकर हर किसी के दिल को सुकून मिलता होगा। जामा मस्जिद में कुल 3 गुंबदें हैं और 2 मीनारे हैं और मीनारों की ऊंचाई लगभग 41 मीटर है। यहाँ पे लिखी गई है जामा मस्जिद की इमारत के वह हिस्से जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत में है उनकी मरम्मत का काम शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी साहब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मरम्मत का काम चल रहा है। सामने आपको वजू खाने दिख रहे हैं वहाँ पे। चलो अब हम निकल रहे हैं। टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग के पास डॉक्टर के पास भी जाना है, बाबू का दिखाने उसका MRI रिपोर्ट भी लेना है और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है, उसका थेरेपी भी कराना है। हम गेट नंबर 2 से आए थे, गेट नंबर 2 से ही निकलेंगे। जामा मस्जिद के यहाँ पे 3 दरवाजे दिख रहे हैं जामा मस्जिद के। वो आपको लाल किला का दिख रहा है, लाल किला दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीधे लाल किला दिख रहा है। सामने लाल किला दिख रहा है यहाँ से। आप
दो ले लो, पेमेंट कर देंगे ना, ऐसा होता तो 150 रुपये करके ये चीज़ आपको, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो ये सब 350 ऐसे करके मिलता है। आप सभी